नमस्कार दोस्तों, मैं तनमय अरोरा, स्वागत करता हूं किचन स्टेटा की। मैं जाना होता था लेटेस्ट टेक न्यूज एंड न्यू प्रोडक्ट न्यूज के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल लोग सब क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं, चाहे वो एप्पल में हो या आईओएस हो या एंड्रॉइड हो, सब में, क्योंकि क्रोम एक गूगल का प्रोडक्ट है और हम सबको पता है गूगल बाबा के पास सारे आंसर है, तो क्रोम हम यूज करते हैं। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि क्रोम भी हो, क्योंकि गूगल प्रोडक्ट है, एक टेक्नोलॉजी है, अगर हम इसे सही से इस्तेमाल करें तो ये काफी यूजफुल है हमारे लिए। लेकिन अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए डेंजरस है। फिशिंग अटैक्स, मॉलवेयर, वायरस और बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों ये आपके साथ। क्या है दोस्तों, एक नई बग निकल के आई है और किसने निकाली है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको वीडियो देखनी होगी अंत तक। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो डालू सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इससे पहले के लिए दोस्तों चलते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि क्रोम एक आजकल बहुत ही फेमस और पॉपुलर, हर किसी के फोन में, हर दूसरे बंदे के पास क्रोम है और वो यूज करता है, और कोई ब्राउजर वो यूज नहीं करता, चाहे यूजी ब्राउजर हो, चाहे उसका फोन में खुद का ब्राउजर हो, चाहे कोई किसी ने भी ब्राउजर डाला हो, लेकिन वो क्रोम ब्राउजर ही यूज करता है। पहले टाइम पे लोग ओपेरा या यूजी ब्राउजर करते थे, कि अब क्रोम हो चुका है। अब क्रोम में दोस्तों एक आया है बग निकल के। दोस्तों ये बग है कि जैसे कि आप अपने स्क्रॉल बार देखते हैं, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रॉल बार है, जैसे कि आपको क्रोम का स्क्रॉल बार दिख रहा है, ऐसा ही दोस्तों एक फेक स्क्रॉल बार होता है जिसके अंदर आपकी दोस्तों जो आप यूआरएल डालते हैं वही यूआरएल नहीं होता, वो दूसरा यूआरएल आता है और वो आपको दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देता है। लेकिन अगर आप अपने कुछ भी करते हैं तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिर अटैकर्स के पास चली जाती है, क्योंकि दोस्तों वो एक फिशिंग है और वो एक बग है। दोस्तों गूगल वैसे भी अपने आप का अपडेट करता रहता है, नए नए सॉफ्टवेयर डालता रहता है, नई अपडेट टाइम टू टाइम देता रहता है। चाहे वो क्रोम ब्राउजर हो, कोई भी उसका पैकेज में कोई भी आता हो, चाहे वो क्रोम हो, गूगल फोटोज हो, गूगल बिकम जीमेल हो, या जो भी आता है गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं, सबकी आपको अपडेट मिलती रहती है टाइम टू टाइम। लेकिन उन टाइम टू टाइम अपडेट में एक बग निकल के आया है जेम्स फिशर ने। जैसे दोस्तों जेम्स फिशर एक नाम का दोस्तों ये हैकर है, तो इसने दोस्तों क्या करा है, ये चला रहा था क्रोम और इसने बाय चांस देखा कि यार फेक यूआरएल आ रहा है, इसकी वजह से क्रोम बार जो आ रहा है फेक आ रहा है। दोस्तों क्या फेक यूआरएल से उसने क्या करा है, देखा और उसने पता लगाया कि एक बग है क्रोम के अंदर, जिससे कि आप दोस्तों जो यूआरएल पे जाते हैं, मान लीजिए आप अपनी कोई ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं या कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कहीं भी आप पे कर रहे हैं, तो क्रोम ब्राउजर का जो क्रोम ब्राउजर का दोस्तों नकली वाला यूआरएल है वो आपको कॉपी कर रहा है, यानी कि वो आपको देख रहा है क्या क्या आप उसमें डाल रहे हो, क्या उसका ओटीपी आ रहा है, कैसे आपका जा रहा है और क्या नंबर है, वो भी निकाल लेगा आराम से। इसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब आप अपने कार्ड के डिटेल्स डाल देंगे तो वही वो कार्ड की डिटेल उसके पास सारी चली जाएगी, आपका फोन नंबर वगैरह सब कुछ उसके पास चला जाएगा, जिससे कि आपको दोस्तों फिशिंग के अटैक, आपके फोन में वायरस आ सकता है, आपके फोन की पर्सनल डिटेल, चाहे आपकी वीडियोस हो, फोटोज हो, वो भी सारी दोस्तों वहां पे जा सकती है। दोस्तों गूगल ने जब से जेम्स ने इसको बग निकाला है, तब से गूगल इसके अंदर लग गई है और निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको दोस्तों सावधान रहना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों आपको तीन स्टेप बताने वाला हूँ, इन तीन स्टेप से आप दोस्तों देख सकते हैं क्या आपका जो स्क्रॉल बार है क्रोम का वो फेक है या रियल है। दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। जैसे कि दोस्तों आप ओपन करेंगे, यूआई होता है दोस्तों क्रोम ब्राउजर, या दोस्तों जो क्रोम ब्राउजर वो एक यूआई होता है, यूआई इंटरफेस। तो उस यूआई इंटरफेस में जब आप देखेंगे कि आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देखेंगे कि वो ऊपर का जो स्क्रॉल बार है वो एकदम ही इनविजिबल हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, मिस्टर इंडिया बन जाता है। तो दोस्तों जब वो मिस्टर इंडिया बन जाता है तो आपको नहीं दिखता जैसे आप नीचे देखते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे टॉप नॉच करते हैं या रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं तो वो आ जाता है दिखा। लेकिन दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है, जैसे अपना क्रोम ब्राउजर खोला अब आपने क्या करना है, डाउन करना है, स्क्रॉल करना है नीचे और आपने अपने फोन को लॉक कर देना है। अब लॉक करके अनलॉक करना है, जैसे ही आप अनलॉक करेंगे तो आपको दोस्तों दो बार आपको दिख जाएंगे, ये दोस्तों दो बार आपको दिख जाएंगे। जब वो दो बार आप देखेंगे तो दोस्तों यूआरएल दोनों में अलग अलग होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आप यूआरएल जिस पेज पे हैं वही यूआरएल होना चाहिए। अगर वो नकली यूआरएल है तो आपको दोस्तों पता चल जाएगा, क्योंकि वो डिफरेंट होता है। अब दोस्तों सेकंड स्टेप कैसे आप कर सकते हैं, तो सेकंड स्टेप में जब दोस्तों आप न्यू टैब यूज कर रहे हैं या इंडिगो यूज कर रहे हैं या मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो नंबर दिखाता है ना वो हमेशा गलत दिखाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए आपने चार या पांच खोल रखी है तो आपको छह या सात दिखाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपको मल्टीटास्किंग करते हैं तो वो अलग अलग आता है, क्योंकि वो मालवेयर वाली वेबसाइट के ऊपर आपको लेके जा रहा है, दूसरा स्क्रॉल बार जो है वो एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है उसके अंदर, जिस वजह से आपको लग रहा है कि छह सात विंडो है लेकिन आपने पांच ही विंडो ओपन कर रखी है। दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपके क्रोम ब्राउजर में ये बग है।
और तीसरा मोड आप दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि क्रोम ने डार्क मोड ऑन कर दिया है कब का, तो अगर दोस्तों आपने डार्क मोड अपना यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि दोस्तों आप जैसे डार्क मोड यूज करेंगे तो आपका क्रोम का जो यूआरएल टैब है वो आपको ब्लैक में दिखेगा, लेकिन जो आपका फेक यूआरएल है, जो फेक आपका यूआई है, वो आपको दोस्तों बिल्कुल व्हाइट में दिखेगा। व्हाइट में दिखने की वजह से आपको सबसे ज्यादा इसमें पता चल जाएगा कि व्हाइट वाला फेक है, ब्लैक वाला एकदम करेक्ट है। अगर दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज अपने क्रोम ब्राउजर को अनइंस्टॉल करिए और उस क्रोम ब्राउजर से कुछ टाइम के लिए दूर रहिए जब तक ये बग नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि जब तक ये बग दूर नहीं हो जाता कहीं आपने अपनी कोई ट्रांजेक्शन करी या ऑनलाइन आपने कोई चैट्स करी या बाई चांस आपने कोई यूआरएल खोला और वो मार गया दूसरी वेबसाइट पे आपको ले गया, वहां से आपकी जो फोटोज हैं, प्राइवेट फोटोज हैं और आपकी वीडियोस हैं या आपके अंदर जितने भी पर्सनल डिटेल्स आपके अपने फोन में पड़ी हैं वो सारी की सारी कोई और शेयर कर लेगा। क्योंकि दोस्तों ये भी एक ऐसा बग होता है जिससे आप मालवेयर आपको सीरियसली आसानी से अटैक कर सकता है, और अटैक करने के बाद आपको दोस्तों वो ये नहीं सोचेगा भाई तू कौन है कौन नहीं है, आ रही इन्फॉर्मेशन आने दे, बैंकिंग डिटेल है आने दे, कोई दोस्तों आती हुई लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता, वो पैसे आ जाएंगे उसके पास, आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपके ईमेल आईडी पे आपको मेल्स भेज सकता है, भाई मुझे तेरी बात पता चली, मेरे पास तेरी फोटो है, मैं ये जानता तू ये करता है, मैं जानता तू वो करता है, दोस्तों वो अलग फंडा है। लेकिन अगर आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं तो दोस्तों ये टिप्स जो मैंने तीन आपको बताई है, इन तीनों टिप्स को अप्लाई करिए और पता लगाइए क्या आपका जो यूआई इंटरफेस है क्रोम का वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो अभी के अभी क्रोम को चलाइए, अगर ना है तो भैया अनइंस्टॉल कर दो यार, अभी के अभी करो, मैं कह रहा हूँ अभी करो। और दोस्तों अभी करने का मतलब है बिल्कुल अभी, क्योंकि दोस्तों वो क्रोम में बहुत बड़ा बग है और वो आपका बग आपको बग्गी बना देगा, मेरा आपका हाथ जाएगा या आपकी गर्दन या आपको नहीं पता। तो वीडियो कैसे लगे, वीडियो लाइक से लगे, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हो सके तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ यार आपको क्या दिखा, या आपने वो बग पहले देख लिया था या अभी मैंने आपको अपनी वीडियो देखने के बाद पता चला है, या आपके अभी क्रोम ब्राउजर में है आप इंस्टॉल करने वाले हैं इस बग पर सुनने के बाद, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। दोस्तों जल्दी बताओ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लिक करो ताकि जो भी नई वीडियो डालो सबसे पहले आपको मिल जाए उसकी नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।